EVI Institute of English Language provides you the way you can become a smarter English speaker. Let's try it. Now this cassette is in your hand. It means you are very eager to learn how to speak English. I would like to assure you, it will help you a lot. एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, यह कैसेट सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि आपको कुछ करना है। आप सोच रहे होंगे क्या करना है? बहुत आसान, आपको बोलना है, आपको प्रैक्टिस करना है। याद रखिए, इंग्लिश बोलना सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप बोलिए। इस कोर्स की सबसे बड़ी विशेषता है इसका प्रैक्टिस बेस्ड होना। इसका मतलब अब आप अपने घर में किसी भी समय में क्लासरूम का एटमॉस्फेयर डेवलप कर सकते हैं। रिमेंबर इट, जब तक आप एक कैसेट पर अच्छी तरह प्रैक्टिस न कर ले, दूसरी कैसेट सुनने का लालच न करें, क्योंकि यह पूरी तरह साइकोलॉजिकली वेल डिजाइन कोर्स है। तो अब आप तैयार हो जाइए अपने सपने हकीकत में बदलने के लिए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। लीजिए, मैंने आपकी अंगुली पकड़ी और अब आप मेरे साथ सफलता की सफर की ओर चलने के लिए तैयार हैं। इसके वाक्यों के अंत में भी ता ते ती जैसे शब्द थे, जैसे चलते चलते कहीं रुक जाता हूँ मैं थे। तो शुरू करें। आई एम रेडी सर। मैं कॉलेज जाती हूँ। आई गो टू कॉलेज। वह फिल्म देखती है। सी वॉच्स मूवी। मैं कार चलाती हूँ। आई ड्राइव कार। मोहन क्रिकेट खेलता है। मोहन प्लेज क्रिकेट। लता गाना गाती है। लता सिंग्स अ सॉन्ग। मैं तुम्हें याद करती हूँ। आई मिस यू। वह रोज फोन करती है। सी कॉल्स डेली। सचिन क्रिकेट खेलता है। सचिन प्लेज क्रिकेट। मैं कॉफी पीती हूँ। आई टेक कॉफी। मैं सेब खाती हूँ। आई टेक एप्पल्स। सीता चाय पीती है। सीता टेक्स टी। मैं कोल्ड ड्रिंक्स पीती हूँ। आई टेक कोल्ड ड्रिंक। दोस्तों, अब तक आप खाने के लिए ईट तथा पीने के लिए ड्रिंक सबका यूज किया करते थे। अब हम खाने और पीने दोनों के लिए एक ही शब्द टेक का यूज करेंगे। जैसे मैं रोज कोल्ड ड्रिंक्स पीती हूँ। आई टेक कोल्ड ड्रिंक डेली। राधा रोज आइसक्रीम खाती है। राधा टेक्स आइसक्रीम डेली। मैं आपको जानती हूँ। आई नो यू। वह इंग्लिश बोलती है। सी स्पीक्स इंग्लिश। मिस्टर शर्मा हमें मैथ्स पढ़ाते हैं। मिस्टर शर्मा टीच अस मैथ्स। मैं आपको इनवाइट करती हूँ। I invite you. वह मुझे रोज डांटता है। He scolds me every day. वे बच्चों को पीटते हैं। They beat children. मैं रोज 9 बजे ऑफिस जाती हूँ। I go to office every day at 9 o'clock. हम घर में छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। We speak Chhattisgarhi at house. मैं आपको सब दिन याद करती हूँ। I miss you every day. मधु
प्रतिदिन पियानो बजाती है। मधु प्लेस पियानो एवरी डे। मैं गिटार बजाती हूँ। आई प्ले गिटार। रविशंकर बहुत अच्छा सितार बजाते हैं। रविशंकर प्ले सितार वेरी वेल। मैं सब दिन गजल सुनती हूँ। आई लिसन गजल्स एवरी डे। मैं रोज भूल जाती हूँ। आई फॉरगेट एवरी डे। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। आई लाइक यू। वह आमिर खान को पसंद करता है। He likes आमिर खान। आप ऐश्वर्या राय को पसंद करते हैं। You like ऐश्वर्या राय। मैं चाइनीज डिश पसंद करती हूँ। I like चाइनीज डिश। वह पेप्सी पसंद करती है। She likes Pepsi। मैं क्लासिकल सॉन्ग्स पसंद करती हूँ। I like classical songs। गीता इंडियन कल्चर पसंद करती है। गीता likes इंडियन कल्चर। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप खोलना चाहती हूँ। I want to open a electronic shop। मैं उसे फोन करना चाहती हूँ। I want to call her। मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। I want to take revenge to him। मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ। I want to invite you। वह मुझे भूल जाना चाहता है। He want to forget me। मैं एक कप चाय पीना चाहती हूँ। I want to take a cup of tea। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। I want to ask something to you। मेरा दोस्त यहाँ आना चाहता है। My friend wants to come here। वह किसी फिल्म स्टार से मिलना चाहती है। She wants to meet with any film star। मैं एक कार खरीदना चाहती हूँ। I want to buy a car। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। I want to meet to you। रमन क्लास ज्वाइन करना चाहता है। रमन wants to join class। वह एक नेता बनना चाहता है। He wants to become a leader। आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं। You want to speak English। मैं आज कोई फिल्म देखना चाहती हूँ। I want to watch any movie today। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। I want to meet with you। मैं राधा से बात करना चाहती हूँ। I want to talk with राधा। मैं एक ग्लास पानी पीना चाहती हूँ। I want to take a glass of water। मैं एक IAS officer बनना चाहती हूँ। I want to become an IAS officer। रमेश एक businessman बनना चाहता है। रमेश wants to become a businessman। सीमा एक अच्छी singer बनना चाहती है। सीमा wants to become a good singer। अमित एक मॉडल बनना चाहता है। अमित wants to become a model।
वह एक अच्छी डांसर बनना चाहती है। She wants to become a good dancer. मैं ताजमहल देखना चाहती हूँ। I want to see Taj Mahal. Friends, अब तक हमने जो वाक्य देखे वो सामान्य वाक्य थे जिन्हें इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वाक्य की शुरुआत डू या डस से करेंगे, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट रखेंगे। इस प्रकार हमारा फॉर्मूला होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप सोच रहे होंगे कि हम डू या डज का प्रयोग कहां कहां करेंगे। चलिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। हम फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन तथा प्लूरल नंबर के साथ डू का तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डस का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल देखें। क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप सच बोलते हैं? डू यू स्पीक ट्रूथ? क्या आप फिल्म देखते हैं? Do you watch movies? क्या रमा गाती है? Does रमा sing? क्या आप कॉलेज में पढ़ाते हैं? Do you teach in college? क्या वह डांस करती है? Does she dance? क्या आप मुझे याद करते हैं? Do you miss me? क्या आप गजल सुनते हैं? Do you listen गजल्स? क्या आप मुझसे प्यार करते हो? Do you love him? क्या आप इंग्लिश पढ़ते हैं? Do you कॉफी पीते हैं?